राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षत्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण अ वी मात्रा छोटी, अवि भ आधा, क क देखिए आधा है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है भक, त त के ऊपर है अनुस्वार, पूरा शब्द होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है इसलिए इस अनुस्वार को पढ़ेंगे आधा म म आधा म आधा म है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ते हैं, पूरा त है तो क्या पढ़ेंगे तम अविभक्तम, ध्यान दीजिए अ वि भ आधा क अविभक्तम, च पूरा है च में अ मिक्स करेंगे च, भ भ पर है बड़े उ की मात्रा, जब भी बड़ी मात्रा होगी तो आपको उसको उच्चारण में अधिक समय देना है, इसको पढ़ेंगे भू तेषु, मात्रा छोटी है शु की, लंबा ना खींचे, भूतेषु भूतेषु। पहला चरण वापस रिपीट करते हैं, अविभक्तम च भूतेषु, वापस अविभक्तम च भूतेषु। दूसरा चरण वी मात्रा छोटी लंबा ना कीचे, भ आधा क सेम वैसे ही भक, त पूरा त अक्षर पूरा होने के कारण इसके उच्चारण में हम अ मिक्स करेंगे, त मी छोटी मात्रा लंबा ना कीचे, व अक्षर पूरा है व मी अ मिक्स करेंगे मी व, कैसे पढ़ेंगे विभक्त मी व, त पूरा है ना इसलिए त पर अलग से अंडरलाइन किए कि आप त में अ का उच्चारण मिक्स करें, विभक्त मी व विभक्त मी व, च अक्षर पूरा च में अ मिक्स करें च, इसको देखें आधा स थ थ पर ई की मात्रा, इसको बोलेंगे स्थी, आधा स है और थ पर ई की मात्रा लगेगी स्थी, त पूरा और म के नीचे हलंत, आधा अक्षर पूरे के साथ पढ़ते हैं तम स्थितम। दूसरा चरण वापस विभक्त मीव च स्थितम, वापस विभक्त मीव च स्थितम। आप पहले और दूसरे चरण को साथ में पढ़ेंगे, आप जरूर साथ में पढ़ें, जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार आपका उच्चारण और ज्यादा क्लियर होगा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अब तीसरा चरण भ, भ पर बड़े उ की मात्रा, भू क्या है बड़े उ की मात्रा, बड़े की है तो आपको इसको उच्चारण में अधिक समय देना है, भू त पूरा है त में अ मिक्स करेंगे भूत भूत भ। अब आप इसको देखेंगे क्या चीज है, हम राइट साइड में देखेंगे बोर्ड के, पहले हम ऊपर की मात्रा को ना देखें सिर्फ ये चीज देखें कि इसका क्या है गेरा, ये होता है आधा त और नीचे ये जो मात्रा लगी है ये है री से ऋषि की, ये जो री के ऋषि में ये मुड़ाव है ये त के नीचे लग गया, इसके कारण त तो आधा हो गया और री से ऋषि की ये मात्रा आ गई, इसको बोलते हैं त्रि, त आधा और री का इसका तो त्रि। यहां पर ऊपर मात्रा भी है, आपने ऊपर मात्रा लगा दी, अब क्या चेंजेस आएगा, पहले की मात्रा पड़ी जाएगी जो इसके सर पर है, इस मात्रा को बोलते हैं आधा र, र के नीचे हलंत आधा र, त वैसा का वैसा, री वैसा का वैसा, ये तो यहां पर अपन ने देख लिया था मात्रा का र इसके अंदर ऐड हो गया। अब आपको ये चीज यूज करके शब्द का उच्चारण करना है, देखिए कैसे भूत भ फिर आधा र, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा भर, भूत भर फिर क्या पढ़ेंगे त्रि, भूत भर त्रि भूत भर त्रि, ठीक, च पूरा है च में अ मिक्स करेंगे च,
पूरा ज आधा आधे ज को त के साथ पढ़ा तज। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ ज्ञ पर एक ही मात्रा ज्ञे। य पूरा य पर ऊपर है अनुस्वार, अनुस्वार शब्द के अंत में लास्ट वाले अक्षर पर है इसलिए इसको पढ़ेंगे आधा म, तज्ञेयम्। तीसरा चरण वापस, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्। वापस, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्। चौथा चरण ग्र, देखिए आप इसका कैसे ये ग्र बना, इधर देखेंगे राइट साइड में, इसमें है ग आधा, ग के नीचे अलंत दिख रहा है यानी ग है आधा और ये जो मात्रा दिख रही है ये है र, र है पूरा, इसको पढ़ेंगे ग्र। ग आधा है इसलिए ग में अ मिक्स नहीं करेंगे, र पूरा है अक्षर पूरा होने पर उसमें अ मिक्स करेंगे, इसको बोलेंगे ग्र। ग्र सी, ग्र सी, आधा श दिख रहे हैं, आधा श सी के साथ पढ़ेंगे ग्रसिश, ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु, मात्रा छोटी लंबा ना खींचे, ग्रसिष्णु। प्र, प्र कैसे पढ़ा जाता है राइट साइड में देखें, आधा प होता है इसमें सेम ग्र की तरह, उसमें ग आधा था इसमें प आधा है, प के नीचे हलंत और ये जो मात्रा ये है र, र है पूरा, इसको पढ़ेंगे प्र। भ पूरा, प्र भ, भ पूरा है ना, भ में अमिक्स करेंगे, प्रभ। वी मात्रा छोटी आधा श उसके साथ विष्णु। च, च पूरा है, च में अमिक्स करेंगे। चौथा चरण वापस, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वापस, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, यहाँ पर विष्णु ना बोले अण है, अण इसलिए उच्चारण क्लियर है। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ेंगे, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्। ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, एक बार वापस, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अब पूरे श्लोक 16 का उच्चारण एक साथ हम दो बार करेंगे, टू टाइम्स आप सभी करें। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। एक बार वापस, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, भूत भर्तृ च तज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। नारायण नारायण।